पाठ्यपुस्तक का 20वां क्वेश्चन देखिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो है -1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये जो विद्युत फ्लक्स है वो ऋणात्मक दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है। नेगेटिव में विद्युत फ्लक्स होने का मतलब ये है कि जो गोला है उसमें रखा आवेश ऋणात्मक है, उसके अंदर विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है, इट मीन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है। देखिए इस तरीके से ये एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, इसमें यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर रही है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है, क्लियर, इसके अंदर जा रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर प्रवेश करती है। अब जो गोला है उसकी रेडियस हमें प्रारंभ में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फ्लक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है। ये कह रहा है क्वेश्चन के पहले पार्ट में यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। रेडियस 10 के स्थान पर 20 सेंटीमीटर कर दी जाए, 10 सेंटीमीटर के स्थान पर कितनी कर दी जाए, 20 सेंटीमीटर कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए दोस्तों जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं 10 सेंटीमीटर के गोले से जा रही थी उतनी की उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं 20 सेंटीमीटर के गोले से जाएगी। देखिए जितना आवेश इसमें है उतना ही आवेश इसमें है, तो विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो विद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा, विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। -1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के नियम से जब हम निकालते हैं का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं होता है, आकार पर निर्भर नहीं होता है। अब इसके बी पार्ट में देखिए बिंदु आवेश का मान क्या है कि इस गोले के अंदर यहाँ पर कोई आवेश मौजूद है तो उस बिंदु आवेश की वैल्यू क्या होगी। गाउस के नियम से हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। गाउस का नियम क्या कहता है, देखिए गाउस का नियम हमें कहता है फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू है गाउसीय पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश, तो यहां से गाउसीय पृष्ठ में मौजूद जो आवेश है वो बिंदु आवेश है। समेशन क्यू इक्वल टू आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो समेशन क्यू इक्वल टू फाई की वैल्यू है -1.0 इंटू 10 पावर 3, एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं 8.854 गुणा उसकी घात -12, देन समेशन क्यू कितना आ गया माइनस, ये माइनस में आएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस में 8.854 गुणा 10 की घात रह गई -9 कूलम। तो इस गोले के अंदर जो आवेश है वो -8.854 इंटू 10 पावर -9 कूलम होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। तो ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का 20वां क्वेश्चन।